अस्सलाम वालेकुम, इस डॉक्टर ज़ारा यामीन। मैं सेहत मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हूँ। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम कुछ खाते नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारा वज़न बढ़ रहा है, या हम कुछ खा नहीं रहे लेकिन हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। तो इसकी जो मेन रीज़न होती है, जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसकी मेन वजह क्या है। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जो उनके मील्स में लार्ज गैप्स आ रहे हैं, तो वो उनके कैलोरी इनटेक ज़्यादा हो जाता है जब वो एकदम मील अपना ले रहे हैं। लेकिन अगर वो ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे, लंच नहीं ले रहे, जब वो एकदम डिनर करते हैं तो वो कैलोरीज का इनटेक उनका ज़्यादा होता है। और रात के वक्त में डाइजेशन का प्रोसेस इस तरह से नहीं होता एक्टिव, इसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो वेट गेन की वजह बनती है। जो आपका कैलोरीज इनटेक है वो फैट के फॉर्म में स्टोरेज हो रही होती है आपकी बॉडी में। और इसके अलावा एक मेन रीज़न ये भी होती है कि जब मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनकी फूड चॉइसेस काफ़ी ख़राब। वो बता रहे होते हैं कि वो कुछ नहीं खा रहे, लेकिन जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है, प्रॉपर उनका डाइटरी रिकॉल लिया जाता है, तो पता चलता है कि वो नाश्ते में चाय के साथ कोई भी शुगरी बिस्किट ले रहे हैं, या फिर वो किसी भी चिप्स का पैकेट ले रहे हैं दोपहर में। तो इन एनर्जी इनटेक को वो नहीं देख रहे होते। हालांकि अगर इनका हम देखा जाए, इनकी न्यूट्रिशनल कॉन्टेक्ट देखा जाए, इनके बैक पे जो होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू देखी जाए, तो इनकी कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जब हम पूरे डे की कैलोरीज में काउंट करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बन जाती हैं आपकी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा। तो ये एक मेन रीज़न होती है। उसके अलावा जब फिज़िकल एक्टिविटी की बात होती है, तो फिज़िकल एक्टिविटी में मोस्टली खवातीन ही कहती हैं कि घर का सारा काम करते हैं हम, फिर भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा, कुछ खाते पीते भी ज़्यादा नहीं है। तो फिज़िकल एक्टिविटी वो नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटी को हम इस तरह से काउंट करेंगे कि आपके एटलीस्ट 30 मिनट्स ऐसे हों जिसमें आपका माइंड रेडी हो, आपको पता हो कि आप ये जो चल रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, ये आपका मेन एम क्या है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, एक घंटा चल रहे हैं तो आप उसको फिज़िकल एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे, नहीं। आपका प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, आपको एक एम होना चाहिए उस फिज़िकल एक्टिविटी के दौरान। ऐसे हम इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर सकते। अब इनके सॉल्यूशन क्या है? इनके सॉल्यूशन में जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। एक तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, आप एटलीस्ट हर 2 से 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाएं। जब आप लार्ज मील्स लेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, जब गैप्स आपके ज़्यादा होंगे और आपका कैलोरी का इंटेक ज़्यादा होगा। अगर आपके स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स होंगे, हर 2 से 3 घंटे के बाद आप कुछ खा रहे हैं, तो आपका उस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है और आपको वेट लॉस में आसानी होती है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी का मैं बता चुकी हूँ, आपने 30 मिनट्स एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स अपनी फिजिकल एक्टिविटी को देने हैं। और आपका कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होना चाहिए, आपकी हाइट, वेट, आपकी कंडीशंस, आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल के हवाले से आपका एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सोचें कि आपका भी वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं होगा। आप जब तक अपना कस्टमाइज प्लान नहीं बनवाएंगे आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। उम्मीद करती हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर आप माजी में ऐसी गलतियाँ करते भी रहे हैं तो इन फ्यूचर आप इन पॉइंट्स पे अमल करके काफ़ी बेहतर इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप सेहत मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल करके भी गिवन नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।